Вообще и победил, он тебе без меня практически. Могу ставить земель за ты. हमारे बंदे फंस जा रहे हैं ना, कोई फायदा ही नहीं है। नहीं नहीं आने ये चाइना का पिंगे नाम क्या उसका, यहाँ पे कोई नो लैंड जोन के अंदर एक इन्हें खाली है, अगर किसी को खरीदना है लड़की से पहले लड़की से शादी करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक माय आईज। आज हम लोग का ईबीसी का डे 6 है। आज के दिन हम लोग डिंगबोचे में एक माउंटेन के टिप पे जाएंगे एंड बैक टू द डिंगबोचे विलेज। एक्चुअली में हम लोग इसे एक्लोमेटाइजेशन डे कहेंगे। आफ्टर हैविंग ए हेल्दी ब्रेकफास्ट हम लोग अपने होम स्टे से निकल गए हैं एंड अब अपनी आज की जर्नी स्टार्ट करेंगे, जो कि है एक माउंटेन के पीक पे जाने का एंड वहां से वापस अपने होम स्टे में आने का। यह डिंगबोचे का एक लोकल शॉप है, तो आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। ये तो वो है अपना हाइड्रेशन पैक है, ये वो उसके नीचे वाला फर्स्ट कॉपी क्या होता है, सफाई की है। लोगों को जो चाहिए भाई, यहाँ पे टू वॉक भी देखा था मैंने, टू वॉक भी कोई अगर इस एक्लिमेटाइजेशन डे का इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो जैसे जैसे हम लोग इस ईबीसी की ट्रेल में एक हाइट को गेन करते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, और सडनली एक ज्यादा हाइट हम लोगों ने गेन कर लिया एंड वहां पर जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है इन एयर वो माइट भी हमें एल्टीट्यूड सिकनेस दे सकता है, या फिर आप कह सकते हो उसे एल्टीट्यूड इलनेस दे सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन एक जगह पर रुकते हैं जहां पर हम लोग जानते हैं कि आगे चल के हमें एक ज़्यादा हाइट गेन करना है, तो उससे पहले हम एक जगह पर रुकते हैं एंड एक छोटा सा माउंटेन का पीक क्लाइंब करके पहुंचते हैं एंड वहां पर रुकते हैं, और वहां के एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है वो ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं एंड उससे हमारी बॉडी अडॉप्ट हो जाती है कि माइट बी इन फ्यूचर हमें इतना कम ऑक्सीजन मिलने वाला है। तो इस एक्लिमेटाइजेशन डे का यही यूज होता है कि आप उस दिन एक पर्टिकुलर हाइट गेन करें किसी भी माउंटेन को क्लाइंब करके एंड वहां पर आपको समय स्पेंड करें और फिर नीचे आए जहां पे आप, या फिर आप कह लो जो आपका बेस है। तो उससे ये फायदा होगा कि आप जब नेक्स्ट डे एक ज्यादा हाइट गेन करोगे तो आपको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर जो कम होगी वो आपको फील नहीं होगा, यू कैन क्लाइंब और यू कैन ट्रैक ईजिली। हमारे बंदे फंस जा रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है। आज की जो माउंटेन क्लाइंबिंग है ये एक स्टीप क्लाइंबिंग है, सो हमारे पूरे टीम की, या फिर कह सकते हो आप हमारे पूरे ग्रुप मेंबर्स की हालत खराब हो रही है, बट धीरे 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 हम लोग इस माउंटेन पे चढ़ रहे हैं मन में एक जोश लेके कि हमें ईबीसी तक जाना है, तो ये वाला छोटा माउंटेन पीक हमें क्लाइंब करके आगे बढ़ना है। ऊपर जाएंगे और ऊपर ऑप्शन।
अगर एक्लिमेटाइजेशन डे के फायदे की बात करें तो एक सबसे बड़ा फायदा है कि हम लोग 5 दिन से डेली अराउंड मॉर्निंग में अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते थे और इवनिंग में अपनी ट्रैकिंग एंड करते थे, बट आज के दिन सिर्फ हमें हाफ डे ट्रैक करना है, क्योंकि एक छोटा सा पीक है, चढ़ाई थोड़ी सी स्टीप है, बट इसे हम लोग बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, बचा हुआ टाइम आफ्टर 1 o'clock आप इस दिंगुचे विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ के लोगों से मिल सकते हो, वहाँ के कल्चर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ के लोगों से बात कर सकते हो, वहाँ के लोकल फूड को एंजॉय कर सकते हो। सो ये भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आ जाता है, जिससे कि आप यहाँ के इस माउंटेन में बसे हुए लोगों से मिलके उनको समझ सकते हो और उनके बारे में और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। आरा का तो मजा आ जाएगा ना, इस कैंप के लिए लेंगे। यहाँ पर एक नो लैंड्स के अंदर एक कोई छोटा सा घर है, माइट बी यहाँ पर बॉन्क अराउंड 6 महीने या 7 महीने या फिर अराउंड फॉर ईयर यहाँ पर वह समाधि या फिर कह सकते हो आप तपस्या करते हैं या फिर ध्यान में विलीन रहते हैं अपनी भक्ति भाव में। ओलंपिक ये सबसे बड़ा वाला मैडम लोग, वो जो सबसे पीछे वाला है ये वाला ओके, ये तबुचे ओके, ये वाला 14 से ओके, इधर सिस्टर्स जो है ये वाला, अच्छा ये लॉबुचे है बेसिकली ओके। ये हम आज का डे हाइक करने के बाद नीचे की तरफ बढ़ते हुए, ये हमारा दावा एकदम बहुत सुसु करने को जाता हुआ हमने उसको पकड़ लिया है। हाँ वो एक नंबर दो नंबर बता नहीं रहे, बट दावा का वीडियो भी नहीं आएगा। दावा नो सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट हम लोग अभी ये पूरा नीचे जाएंगे, एक काफी दूध गंगा वाला हम लोग काफी नीचे जाना है, माइट में 10 मिनट लग सकता है यहाँ से, 10 मिनट या फिर आधा घंटा, ये आधा घंटा का ट्रेल होना चाहिए मैक्सिमम, और फिर हम लोग होटल में रहेंगे, फिर हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना है, फिर आगे का प्लान सोचते हैं। ठीक है जिंजर टी, ठीक है चलो जिंजर टी पियेंगे, खाना भी खाएंगे। हाँ वो वाली गरम पानी वाली चाय पियेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है चलो, आफ्टर रीचिंग टू द टॉप ऑफ दिस माउंटेन नाउ वी आर कमिंग बैक टू द बेस आई कैन से, अब हम लोग अपने होम स्टे की तरफ बढ़ रहे हैं, बट आज की जो क्लाइंबिंग थी और आई कैन से ट्रैकिंग थी वो थोड़ी सी टफ थी, बट वी डिड दैट। सबसे लास्ट पैसेंजर है जो धीरे 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 आता हुआ, यह डे 6 का एक्लिमेटाइजेशन डे का माउंटेन ट्रैकिंग का वीडियो था। नाउ वी रीच टू द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप एक्सप्लोरिंग बाय वॉक बाय आइज। पूरा गांव।
बहुत सारी जमीनें खाली हैं, अगर किसी को खरीदना है। लड़की से पहले लड़की से शादी करना है, और फिर याद रखो जब शादी कर लोगे, ऐसा फैसिलिटी का, और लड़की शादी करने के बाद, वैसे शादी करने के लिए इतना दूर आना होगा तो अकेला नहीं आना होगा साला, पर फैमिली को लाना होगा भाई। हाँ, चॉपर से लाना है चाहे जिससे भी लाना है, क्या दावा? बहुत बहुत खर्चा है, उसके बाद फिर तुमको जितना जमीन मांग कर ले लो, और रोज गोला बना के खाओ। वेटो चुंगू एंड अगेन वेटो लॉन्ग चेन।